तहरीक इंसाफ वार्ड 23 से नामजद उम्मीदवार ब्राय काउंसलर साकिब रशीद भट्ट ने मुहासिब न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत करने के लिए सियासत में आया हूँ, नया मोहल्ला वार्ड 23 के जुमला मसाइल को हल करेंगे। तो मैंने जब अपने वार्ड में जब बलदियाती इलेक्शन अनाउंस हुए तो मैंने ये फैसला किया कि हमारे बहुत से मसाइल है, मैं समझता हूँ कि ये जो नया मोहल्ला वार्ड नंबर 23 है इसके इतने मसाइल है कि इनको हल किया जा सकता है। और इसमें जब मैंने गौर वोस किया तो एक तो मसाइल सामने रखे और फिर उनका हल भी मेरे जहन में था। मसाइल जो थे और उसमें सबसे बड़ा अहम मसला ट्रैफिक का था, ट्रैफिक का इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया जो है रिहायशी कॉलोनी होने के साथ साथ, रिहायशी इलाका होने के साथ साथ एक मशहूर कारोबारी मरकज भी है। तो दूसरा यहाँ पे सफाई का इशू था, तीसरा यहाँ पे सेवरेज का, जो मैं समझता हूँ कि पानी खड़ा हो जाता है, बारिश होती है, लोगों को दिक्कत होती है, ये भी इशू था। और फिर उसके बाद जो अली मोहल्ला में मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों ने भी इस तरह तवज्जो नहीं दी, और एक कब्रिस्तान का इशू भी यहाँ पे है, और खेलों का भी, मैदानों के हवाले से, खेल के मैदान के हवाले से उस पर हमने काम भी किया। और मैं समझता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो क्यादत है पीटीआई की, ख्वाजा फारूक अहमद साहब, हमारे जो मिनिस्टर भी हैं, एमएलए हैं जो हमारे, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मैं और पीटीआई का टिकट मुझे दिया।